अंदर जा रही है और लंबी गहरी श्वास बाहर निकल रही है। मन एकदम शांत होता जा रहा है, मन में प्रसन्नता और सौम्यता झलक रही है। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
तो आज के इस सत्र के अंदर कुछ ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही सरल है, सहजता के साथ आप उसको फॉलो कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी हमारा विचरण हुआ, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे सिंगापुर मलेशिया के अंदर हो, जहां कभी भी हमने बच्चों के लिए बड़ों के लिए जो सत्र लिए हो, वहां पर जितने भी बच्चों ने इनका प्रयोग किया, आज जो एवरेज स्टूडेंट है वो डिस्टिंक्शन होल्डर बन गए हैं 80-90%। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमको आकर के कहते थे समी जी हमको तो मुझे अकाउंट्स में सेंटर लाना है, 100 out of 100 लाना है। तो जो जो टिप्स हमने उनको बताए और उन्होंने जो उसका अनुसरण किया तो वो आज बहुत ही सफल होकर के अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल बन गए। तो आप सब उसके लिए तैयार हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तन से, मन से तैयार है। मन कभी और रख करके शरीर से यहाँ बैठे हैं ऐसा तो नहीं है। हम जब आपको एक एक शब्द भी बोलेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से सुन करके समझ करके, क्योंकि अंत में आपको 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको कभी कभी कोई तकलीफ हो रही हो, कभी कुछ सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ रही हो और आपके कुछ प्रश्न हो कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। गुरु भगवंतों की बहुत असीम कृपा है, गुरुदेव की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर, जिसके कारण से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब BDS की पढ़ाई कर रही थी, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई जब चल रही थी, उस समय गुरुदेव का सानिध्य मिला और उन्हीं की कृपा से डेंटिस्ट्री पढ़ाई करते करते भी गुरु भगवंतों की कृपा से मन में वैराग्य की भावना और साथ में जन जन के कल्याण के लिए जगह जगह पर जाकर के उनको बोध देना, ये सब कुछ गुरु भगवंतों की कृपा डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंचे। आपके स्कूल में भी आए हैं तो गुरुदेव की ही कृपा है। कल जब पृथ्वीराज जी आए थे गुरुदेव के पास और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ पर भी बच्चों के लिए प्रवचन होना है, बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अच्छी अच्छी बातें उनको भी सिखाई जाए, तो उस समय गुरु भगवंत ने वहां पर स्वीकृति दी और उन्हीं की आज्ञा से हम आज यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी 5 बातें बताते हैं कि 5 व्यक्तियों को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। कितने लोगों को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती? पीछे तक आवाज आ रही है? 5 व्यक्तियों को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। उसके अंदर सबसे पहला होता है अहंकारी व्यक्ति, जिसके मन में अहंकार है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़े से कुछ अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, मन में अहंकार आता है, अरे मेरे जैसा टॉपर और कोई नहीं है, मैं तो रैंक होल्डर हूँ। अगर किसी के मन में इस तरह का अहंकार आ जाता है तो ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पेट में जो खाना आपने खाया है वो अगर पचता नहीं है और अजीर्ण हो जाता है तो क्या आप आराम से रह सकते हैं? अजीर्ण ही सभी बीमारियों का मूल है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है, तो उसके साथ साथ दूसरी सारी बीमारियां भी आ जाती है। कोई भी वस्तु का भी अजीर्ण होना अच्छी बात नहीं है। तो ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है तो भी क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो अहंकार व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जितना उसने सीखा है वहीं तक सीमित हो जाता है, वो और ज्यादा विकास नहीं कर पाता है। एक बार एक पिता का एक इकलौता बेटा था, वो पिताजी शिल्पकार थे, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा बनाते थे, पूरे नगर के अंदर फेमस थे। उनकी प्रतिमाओं को देख करके, उनकी जो कलाकारी को देख करके लोग इतने बड़े हर्षित हो जाते थे कि राजा महाराजा तक उनकी यश कीर्ति फैल गई कि इतने अच्छे शिल्पकार है। अब जैसे जैसे पिताजी बूढ़े होते गए, वो कार्य परंपरा के अनुसार वंश परंपरागत उनके पुत्र तक वो प्रोफेशन चला गया, वो पुत्र भी कलाकारी करता था। लेकिन पिताजी जो थे वो कलाकारी जितनी भी करता था, इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाता था, लेकिन फिर भी पिताजी हमेशा क्या करते थे, उस प्रतिमा में से कमी निकालते थे कि यहाँ पर क्या दोष है, वहां पर क्या दोष है। तो उस समय वो जो बेटा था वो बड़ा गुस्सा और क्रोधित हो जाता था, ये सोच करके कि लोग सब प्रशंसा करते हैं कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है, इतनी अच्छी शिल्पकारी है, सब
लोग इतनी प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरे पिताजी तो कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। मेरे पिताजी हमेशा क्या करते हैं, दोष निकालते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी से यहाँ पर ये डिजाइन ऐसा होना चाहिए था। हर बार कुछ ना कुछ डांटते रहते। तो उसने बेटे ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, पिताजी को भी मालूम होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा शिल्पकार हूँ। तो उसने जानबूझ करके एक योजना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि दूर एक गांव के बाहर खेत के अंदर गड्ढा, रात्रि का समय जब कोई नहीं था, उस समय मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद करके उसके अंदर खुद की जो बनाई हुई प्रतिमा है, उस प्रतिमा को उसके अंदर गाड़ दिया और उस प्रतिमा के ऊपर लिख दिया मानो कि कोई बहुत बड़ी पुरानी प्रतिमा। जब धरती में से कोई बहुत पुरानी प्रतिमा निकलती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो वहां पर उसने एक प्रतिमा को जमीन के अंदर गाड़ दिया। और इधर जब कुछ ऐसा ओकेशन आया, ऐसी कोई स्थिति आई जब वहां पर गड्ढा खोदना पड़ा और गड्ढा खोदते खोदते लोगों को वो प्रतिमा मिली, सभी लोग बहुत हर्षित हुए कि गड्ढे के अंदर से क्या निकला है, मूर्ति निकली है, प्रतिमा निकली है। सभी लोग देख रहे थे उस प्रतिमा को और क्योंकि वो पिताजी बहुत बड़े शिल्पकार थे, जानकार थे, तो गांव के सभी लोगों ने कहा कि आप देखो ये इस शिल्पकार के बारे में देखो, कितनी पुरानी प्रतिमा है, क्या है इस शिल्पकार की, क्या महत्वता है उसकी, क्या टैलेंट है उसका, क्या कलाकारी है, आप थोड़ा देखिए। तो उस समय वो पिताजी उस प्रतिमा को देखते हैं और वो बेटा वहीं पर खड़ा है, मन ही मन बड़ा हर्ष हो रहा है कि देखो आज मेरी प्रतिमा के बारे में पिताजी क्या सोचते हैं, आज पता चल ही जाएगा। रोज तो दोष निकालते हैं लेकिन आज पता चल जाएगा कि पिताजी मेरी प्रतिमा के बारे में क्या सोचते हैं। उस समय वो पिताजी उस प्रतिमा को देख करके कहते हैं, पूरे लोग गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो कहते हैं कि ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कलाकृति के साथ वो प्रतिमा बनाई हुई है, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ एक एक डिटेल भी अच्छे से डाला हुआ है। जैसे ही ये बात सुनी तो वो बेटा क्या करता है, मन में बहुत प्रसन्न होता है, मन में अहंकार आ जाता है कि देखो पिताजी भी मेरी प्रतिमा की कलाकारी को प्रशंसा कर रहे हैं। और जब वापस सब घर लौटे तो वो पुत्र जाकर के पिताजी को कहता है कि पिताजी मैंने ही ये सारी योजना बनाई थी। उस समय जो पिताजी ने शब्द कहे वास्तव के अंदर जीवन के लिए बहुत ही मान्य रखने वाला है। पिताजी ने कहा कि जब जब भी मैं तुम्हें टोकता था, जब जब भी मैं तुम्हें दोष बताता था, तुम हमेशा क्या करते थे कि उस दोष को निकालने के लिए और ज्यादा प्रयास करते थे और तुम्हारी कलाकृति के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता था, तुम हमेशा आगे बढ़ते थे। लेकिन आज तुमने जो किया उसके कारण से अब तुम्हारी प्रगति क्या हो गई, रुक गई। अब तुम्हारी प्रगति नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम अपनी प्रशंसा सुनो, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा दोष नहीं बताऊं। तो आज के बाद तुम्हारी और कोई प्रगति होने वाली नहीं है। हर एक विद्यार्थी के लिए भी यही लागू होता है, चाहे अध्यापक हो चाहे माता पिता हो, वो अगर आपको दोष बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई काम के नहीं है। वहां पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं, वहां पर क्रोध में जाने की जरूरत नहीं, वहां पर निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। वहां पर ये चिंतन करना कि ये जितने भी अध्यापक है, जितने भी मेरे गुरु है और जितने भी माता पिताओं के माध्यम से भी जो हमको शिक्षाएं प्राप्त होती है, जो दोष बताए जाते हैं, वो किसके लिए है? आपकी ही प्रगति के लिए है, आपके ही अच्छाई के लिए है। तो वहां पर इस छोटे से कथानक के माध्यम से आपको पता चलता है कि जैसे वो बेटे की प्रगति इतनी अच्छी हो गई क्योंकि पिता ने दोष बताए, इसीलिए वो पुत्र का क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हुआ, वो ग्रोथ की ओर आगे बढ़ गया, सक्सेसफुल बनता गया। इमेजिन कीजिए अगर वो उस तरह से योजना नहीं बनाता तो क्या हो सकता था कि वो और ज्यादा फेमस और अच्छा शिल्पकार बन सकता था। लेकिन उसी ने अपनी प्रगति को त्याग कर दिया।
तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति होता है उसको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। आप बार बार चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, और अगर टीचर्स कुछ कह देते हैं, मम्मी पापा कुछ कह देते हैं, आप गुस्सा होकर के कह देते हैं, क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, हमको भी थोड़ा रिलैक्स होना होता है, हमको भी थोड़ा खेलना है। और आज का जमाना क्या है, थोड़ा सा बोल दीजिए, घर में अगर आधा एक घंटा मोबाइल नहीं चला हो तो आपको क्या लगता है? अरे बोल तो दीजिए। एक दिन अगर आपको कह दे कि आज के दिन आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, मोबाइल में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं करना है, तो मन में क्या भाव आते हैं? आपको लगता है कि कुछ अधूरा है। आप इंतजार करते हैं कि कब मुझे मौका मिले कि मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लूं। आप स्कूल से जैसे ही घर जाते हैं तो मन में आता है कि आधा घंटा चला लूं, कोई बात नहीं, देखता हूं कितना मैसेज। तो अगर माता पिता एग्जाम का टाइम है, मम्मी पापा कह रहे थे, अध्यापक कह रहे कि मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नेगेटिव रेडिएशन निकलते हैं, जो किरणें निकलती है, वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और उन्होंने संशोधन के माध्यम से बताया जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करता है, जो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे आईपैड हो, चाहे टैबलेट हो, कुछ भी हो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना ज्यादा आप उसका उपयोग करेंगे, उसके कारण से आपके शरीर के अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, उसके कारण से ब्रेन अपसेट हो जाता है। पुराने जमाने में सुनते थे कि कुछ कीटाणुओं के कारण से बीमारी होती थी, आज के जमाने में माइंड की समस्याएं बहुत ज्यादा है, कभी कुछ नस दब जाती है, कभी कोई नस दब जाती है, और उसके कारण से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो ये सारी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। तो जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो दूसरों का नुकसान नहीं करता, लेकिन स्वयं का ही नुकसान करता है। आप सोचते हैं कि अगर आप गुस्सा करके आप मम्मी पापा को बोलोगे तो वो आपकी बात मान जाएंगे, भले ही उस समय के लिए आपकी बात मम्मी पापा या अध्यापक मान ले, लेकिन आपका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमारी जो किडनी होती है, किडनी मान लीजिए एक किडनी है इतना सा छोटा सा, और इसके ऊपर जो मैं ये हाथ रख रही हूँ, ये किडनी के ऊपर ठीक इसी प्रकार एड्रेनल ग्रंथि होती है। और जब जब भी व्यक्ति तनाव में जाता है, जब जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं, जब जब भी आप क्रोध में जाते हैं, जब जब भी आप एंजाइटी में जाते हैं, तो उस समय हमारे जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्रंथि है उसमें से एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे स्राव निकलते हैं, और ये सारे स्राव हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। जब कभी भी इमरजेंसी के सिचुएशन आ जाते हैं, जैसे आपने कहीं एक सांप देख लिया, तो सांप को देखते ही आपके मन में क्या होता है, क्या होता है, भय लगता है, और उसी भय के कारण से आपके शरीर के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। और जब भी ये सिचुएशन आता है, जैसे किसी सर्प को आपने देखा तो शरीर के अंदर तनाव की सिचुएशन पैदा हो गई, और उसी तनाव के कारण से एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जैसे स्राव जब निकलते हैं, तो आपका जो ये एड्रेनल ग्रंथि है उसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा, यानी ऊर्जा का पावर हाउस है। आप अगर बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार चिड़चिड़ करते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, एग्जाम का टेंशन है, तनाव है, उस समय आप अपने ऊर्जा के स्टोर हाउस को खाली कर रहे हैं। अगर कोई गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, माल पड़ा है, और वहां गोडाउन में से माल खाली होता जाता है, खाली होता जाता है, तो आखिर में क्या बचेगा? गोडाउन में कुछ माल बचेगा? नहीं बचता है। फिर आप अगर बिजनेस करना चाहो, माल ही नहीं है तो आप क्या बिजनेस करेंगे? कुछ धंधा कर ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार अगर आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो क्या आप पढ़ाई कर पाते हैं? तो उस समय एग्जाम के समय में एग्जाम के भय के कारण से आपको बुखार आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को पेट दुखेगा, किसी के शरीर में इस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फिर उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जाम के टेंशन और भय के कारण से हो जाते हैं।
होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने लोगों को एग्जाम का भय होता है? थोड़ा सा हाथ ऊपर करना। परीक्षा का डर लगता है। सपोज मान लीजिए कि आपके आज आपको वो सारा भय भी दूर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। जैसे आपके मन में इस तरह की सिचुएशन आती है कि जैसे 6 सब्जेक्ट्स है, 6 विषय है आपके पढ़ने के लिए, उसमें से कोई एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे। जैसे मैथमेटिक्स है, गणित है, गणित को देखते ही, अलजेब्रा को देखते ही दिमाग खनक जाता है, अरे ये क्या है, a² + b² + 2ab = a + b² क्या है, समझ नहीं आ रहा है। ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला लिया, हाइड्रोजन के साथ मिला लिया, क्या करना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको लगता है मेरे को तो सारे सब्जेक्ट इजी है, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो डिफिकल्ट है या जो मुझे दिक्कत आती है। हर एक को कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, किसी को इंग्लिश टफ लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को विज्ञान में दिक्कत आती है, किसी को सामाजिक विज्ञान में दिक्कत आती है, किसी को गणित में दिक्कत आती है। तो वहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आज देंगे अंत में, और आपको वो प्रैक्टिकली कराएंगे भी। तो मैं बता रही थी कि 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें से मैंने 2 के बारे में बताया कि उनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले कौन? अहंकारी। दूसरा? योगी। तीसरा बताया जाता है प्रमादी व्यक्ति। जो प्रमादी होता है, क्या भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, जो जैन धर्म के जो 24th तीर्थंकर हुए, जो धर्म का मार्ग बताने वाले हुए, तो उन्होंने बताया कि जो प्रमाद होता है, प्रमाद यानी 5 प्रकार के प्रमाद बताए जाते हैं, जिसमें निद्रा, जैसे अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपने एक गलती ले ली, तो क्या आपको वो जो ज्ञान सिखा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं, वो आपके माइंड में जाएगा? नहीं जाएगा। तो निद्रा भी क्या है? प्रमाद है। निद्रा के कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बहुत ज्यादा सोना भी प्रॉब्लमेटिक है और बहुत कम सोना भी प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर अधिकांश आज के जमाने में, वो जमाना था जब लोग क्या करते थे, रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठ करके सुबह सुबह के टाइम में पढ़ाई करते थे। और आज रिसर्च कहता है, वैज्ञानिक संशोधन कहता है कि सुबह के टाइम में हमारी एकाग्रता 97% होती है। आप सुबह सुबह एक बार पढ़ लो, दिन भर और रात्रि में 10 बार पढ़ लो, इक्वल। गुरुदेव ने ये, जब कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही थी BDS में, तो उस समय गुरुदेव ने मुझे कहा था कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सो जाना है। तो गुरुदेव की प्रेरणा से रात को 8:30 बजे में सो जाती थी और सुबह 2 बजे उठ के पढ़ाई करती थी, और वो ही एक बार पढ़ना। मेरे सारे जितने भी क्लासमेट्स होते थे वो 10 बार रिविजन करते थे, 10 बार एक ही चीज को 10 बार पुनरावर्तन करते थे, और मेरा फर्स्ट रीडिंग एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, हो गया काम, हो गया। अगर आप व्यवस्थित तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छे से आप कार्य कर सकते हैं। दोपहर के समय में हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ 30% या 40% होता है, इसलिए आप देखना आपके स्कूल के टाइम टेबल में भी दोपहर के समय में हैवी सब्जेक्ट्स नहीं रखते। भोजन के तुरंत बाद आपको गणित नहीं पढ़ाते हैं, आपको विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर बहुत ही लाइट सब्जेक्ट होते हैं, PT होता है, और जो सुबह सुबह का टाइम होता है उस समय ये सारे डिफिकल्ट और हैवी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम में कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता अच्छी होती है और दोपहर के समय में एकाग्रता कम होती है, ये रिसर्च बताता है। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में अच्छी पढ़ाई करना है, और जो रात्रि का समय है जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। एग्जाम के समय में बच्चे अधिकांश नींद को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, रात भर बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जब एग्जाम के समय में क्वेश्चन पेपर को देखते हैं पूरा ब्लैंक, मन में विचार आता है, टेंशन होता है कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, नींद की
क्वालिटी की कमी होने के कारण से एग्जाम के टाइम में आपको पेपर लिखते लिखते नींद आती है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम लिखते लिखते भी नींद आ जाती है क्योंकि रात को सोए नहीं। ज्ञानीजन कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम 6 घंटे की नींद होना ही चाहिए, चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम नहीं हो, 6 घंटे की नींद तो लेनी ही है। सपोज मान लीजिए कि 6 घंटे की नींद आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 घंटे तो ब्रेन को रेस्ट देना ही पड़ेगा। 5 घंटे 6 घंटे तो सोना ही है। पहले से ही तैयारी को व्यवस्थित रखेंगे तो 6 घंटे की नींद लेकर के आराम से एग्जाम ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर प्रमाद के अंदर आता है विकथा, एक दूसरे को कमेंट करना, एक दूसरे के बारे में गलत बातें बोलना, इसको विकथा कहते हैं। आप एक दूसरे फ्रेंड को एक दूसरे के बारे में इधर से बात उधर करना, उधर से इधर करना और उनके मन में तनाव उत्पन्न करना, ये भी एक प्रमाद है। इस तरह से 5 प्रकार के प्रमाद बताते हैं, निद्रा, विकथा, विषय यानी अपने इंद्रियों के अंदर डूबे रहना। कुछ लोग म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं, गाने सुनते सुनते पढ़ते हैं, केवल म्यूजिक होता है तो म्यूजिकल थेरेपी के माध्यम से वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकता है। लेकिन आज के जमाने में आप क्या करते हैं, फिल्मी गानों को डाल करके बैठ जाते हैं मोबाइल को और पढ़ने के लिए बैठते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन फिल्मी गानों के अंदर ही इतने डूब जाते हैं कि आप पढ़ाई को भूल जाते हैं। वहां पर एकाग्रता डाइवर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाता है, ये काम नहीं करना। उसके बाद बताते हैं मध्य, मध्य यानी जहां पर नशा होता है, चाहे वो चाय का नशा हो सकता है, चाहे कॉफी का नशा हो सकता है और चाहे आज के जमाने में बहुत ज्यादा ड्रग का भी चलन हो रहा है। तो आप सबको चिंतन ये करना है कि स्कूल के अंदर रहते हुए या आप घर पे भी जाओ तभी कोई ऐसे इस तरह के जो व्यसन होते हैं, जो गलत आदतें होती है, उनके अंदर कभी नहीं जाना, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंक हो, इन सब दुर्व्यसनों के अंदर कभी भी जीवन के अंदर व्यसन के अंदर नहीं जाना, व्यसनों का त्याग करना। अगर शिक्षा को प्राप्त करना है, बड़े होकर के कुछ अच्छा बनना है तो व्यसनों से मुक्त रहना। आप गाँव के अंदर देखते हैं कि हम जब एक गाँव से गाँव जाते हैं तो देखते हैं कि काफी युवा वर्ग जिनको काम नहीं है या रोजगार नहीं है, वो क्या करते हैं, दिन भर बैठ करके या तो ताश पत्ते खेलते हैं, चटा करेंगे या कुछ ऐसे व्यसन करेंगे जो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप सब बहुत बुद्धिशाली हैं, बहुत ही पुण्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे से ब्राह्मण के अंदर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। तो आप सब यही चिंतन करना कि मैं मेरे जीवन में व्यसनों का त्याग करूं और मद्यमांस का भी त्याग करूं, क्योंकि जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है दूसरों को भी सुख देते हैं तभी जाकर के हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। प्राणी पशु भी क्या है, जीव है, तो पशु के अंदर भी प्राण है, हमारे अंदर भी प्राण है, हमारे अंदर भी आत्मा है और उन पशु प्राणियों के अंदर भी आत्मा है। जैसी हमारी जीवात्मा है, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही वो भी पशु पक्षी भी क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो आप सब यही चिंतन करना कि जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही वो भी जीव जीना चाहते हैं। जब हमको कोई कुछ एक बार मार भी दे दे तो हमको कितना कष्ट होता है, तो उन पशु पक्षियों को भी क्या होता है, कष्ट होता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, पुण्य को प्रबल करना है, तो आपको पशु हिंसा, पक्षी हिंसा, प्राणी हिंसा से बचने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो सात्विक होता है भोजन, उससे ही आपका मन भी सात्विक होता है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर एक साधक को, हर एक विद्यार्थी को ये चिंतन रखना है कि आपका भोजन सात्विक रहे, सस्यहारी हो, शाकाहारी भोजन रहेगा तो आपके मन में भी विचार सात्विक होंगे और सात्विक विचार होंगे तो आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रमाद के कारण बताए, प्रमाद को भी टाल देना, प्रमाद को भी जब दूर कर देंगे, निद्रा को त्याग कर देंगे, विकथा को त्याग कर देंगे, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखेंगे। नहीं तो काफी बार क्या करते हैं, आप मूवी देखने बैठ जाते हैं और मूवी देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, 3-3 घंटे व्यतीत हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपको पढ़ाई भी करनी है। तो वहां पर ज्ञानीजन कहते हैं कि जिस समय में जो काम करना है उसी समय उस कार्य को कर लेना चाहिए। तो प्रमादी व्यक्ति को भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती, तो और ये जो प्रमाद के कारण बताए जाते हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी।
चौथा आता है रोगी व्यक्ति को भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। कोई बच्चा अगर बीमार है तो बीमार व्यक्ति क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर किसी को बुखार है और उसको कह दो कि तुम्हें 2 घंटा पढ़ाई करना है तो क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो इसीलिए ज्ञान चंद कहते हैं शरीर स्वस्थ रहेगा मन स्वस्थ रहेगा। शरीर से तो भले ही आप स्वस्थ होंगे लेकिन मन क्या हो रहा है? मन में अगर तनाव है तो मन स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। शरीर और मन दोनों अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो साधक वो विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और अंत में आता है आलस्य। जो आलसी व्यक्ति होता है उसको भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। जिनको शिक्षा प्राप्त करना है जिनको ज्ञान प्राप्त करना है उसको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आलसी है, टीचर ने कह दिया कि तुमको ये प्रोजेक्ट करना है और अगर आप आलस्य कर लोगे, नहीं आज नहीं कल बता देंगे, कुछ कारण बोल करके छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, अगर आप आलस्य करोगे तो ना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और ना ही आप उससे जो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे वो भी प्राप्त कर पाते। तो 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले है अहंकारी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी, आलसी। 5 व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो हमको ये चिंतन करना है कि हम इन 5 कारणों से दूर रहे तो हम अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम के टेंशन को दूर कैसे किया जाए, हम क्या करें जिसके कारण से एग्जाम का तनाव दूर हो जाए। सबसे पहले आपको ये चिंतन करना होगा कि आपकी जो सोच है उस सोच को बदलनी है। सोच को कैसे बदलना? आपके मन में अगर रहता है अरे मैं कितनी बार पढ़ता हूँ मुझे तो याद ही नहीं रहता है, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, टीचर से भी मैंने पूछ लिया, उन्होंने समझा भी दिया, फिर भी मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है। अगर किसी के मन में इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग है तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी सोच को बदलना है। आप अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को निर्देश देंगे कि आप जो क्लास के अंदर सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, वो सब कुछ आपको लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम के टाइम में भी आपको याद रहेगा। अपने ब्रेन को निर्देश देना है कि आप जो पढ़ेंगे, आप जो सुनेंगे, आप जो लिखेंगे, आपको एग्जाम तक भी याद रहेगा और एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन, किस तरह से कोशिकाएं डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो वो सब कुछ आज भी याद है क्योंकि गुरु भगवंत ने हमको वो सारी टेक्निक सिखाई थी और आज हम आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके ब्रेन को निर्देश देना है कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आसान है। आप अगर उसको आसान समझेंगे तो आसान हो जाएगा। आप अगर सोचेंगे अरे ये बायोलॉजी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जीवन शास्त्र मुझे पहले नहीं पढ़ रहा है, बार बार अगर आप अपने मस्तिष्क को नेगेटिव मैसेज देंगे तो आपका ब्रेन कैसा काम करेगा? आपने जिस तरह का निर्देश अपने ब्रेन को दिया है वैसे ही ब्रेन आपके शरीर को आगे बढ़ाए। विज्ञान को पढ़ना मेरे लिए क्या है? गणित, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, सब कुछ पढ़ना मेरे लिए, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, सब कुछ मेरे लिए क्या है? अपने मस्तिष्क को संदेश देना है कि मैं जो अभी पढ़ रही हूँ, मैं जो अध्ययन कर रही हूँ, मुझे पूर्ण रूप से याद रहेगा। ब्रेन को निर्देश देना है कि आज जो मैं पढ़ रही हूँ क्लास में, मैंने जो साल भर में मैंने जो सुना है क्लास के अंदर, एग्जाम के समय में जो भी प्रश्न आएंगे उसका सही उत्तर मुझे याद आएगा। सही समय पर सही प्रश्न का सही उत्तर मुझे याद आएगा, इस तरह से अगर ब्रेन को संदेश देते हैं तो 3 घंटे का पेपर आपका ब्रेन इतना फास्ट काम करेगा कि 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में फिनिश कर सकते हैं और 100 out of 100 ला सकते हैं। पॉसिबल है क्योंकि ये जो भी हमारे पर्सनल अनुभव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि तुमको डिस्टिंक्शन लाना है, तो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट ईयर BDS के समय में गुरुदेव ने मुझे ध्यान साधना करवाई थी। ध्यान करने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि तुमको फर्स्ट ईयर BDS में डिस्टिंक्शन लाना है,
तो उस समय गुरुदेव की कृपा से एक महीने तक लगातार कंटिन्यूअसली जैसे गुरुदेव ने फरमाया था वैसे पढ़ाई करने के बाद जब रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल सर भी मुझे उनके कैबिन में बुला करके कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि पास हो जाएगी तो बड़ी बात है लेकिन तुमने तो डिस्टिंक्शन लेकर के बहुत ही कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। तो गुरु भगवंतों ने इस तरह की टेक्निक्स हमको बताए हैं कि जो आपके समक्ष अभी आप करेंगे। सिंपल है टेक्निक, बहुत आसान है। जब आप एग्जाम की तैयारी करो पहले आपको पूरा शेड्यूल बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए। जैसे गणित है तो उसके लिए ज्यादा दिन चाहिए। हमारा सजेशन यही होगा कि गणित को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे विज्ञान को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, वैसे ही गणित को भी पढ़ने लग जाते हैं। गणित को अगर पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ज्यादा सफल नहीं होते। गणित को तो क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में वो फॉर्मूला और सारे प्रोसीजर्स याद रहेंगे। तो आप क्या करना कि प्रतिदिन एक घंटा दो घंटा गणित के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए और वो सारे फॉर्मूलाज को व्यवस्थित तरीके से याद रखना और टेक्निक को याद रखना। और प्रारंभ करो पढ़ाई उससे पहले 10-15 बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करना है। जब आप लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं तो उस समय मानसिक रूप से 1 से 10 की गिनती करनी है और जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो उस समय उल्टी गिनती करनी है 10 to 1, 10 से 1 की गिनती करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीधी गिनती और उल्टी गिनती का क्या औचित्य है। जनरली हम अधिकांश पूरी सांस लेते भी नहीं है, छोटी छोटी सांसें लेते हैं और क्योंकि हम छोटी सांसें लेते हैं तो हमारे जो लंग्स है फेफड़े हैं उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और जब शरीर में पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ब्रेन के अंदर मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन कम होने के कारण से आपकी एकाग्रता कम हो जाती है। एकाग्रता को बढ़ाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर क्या करनी होगी, ऑक्सीजन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और ऑक्सीजन कब बढ़ेगा, जब आप लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे। और साथ में सीधी और उल्टी गिनती का औचित्य ये है कि जब आप 1 to 10 गिनती करेंगे और 10 to 1 गिनती करेंगे तो आपकी एकाग्रता, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा और लंबी गहरी श्वास लेने के कारण से मन एकदम शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है 15-20 बार जब श्वास का अभ्यास करेंगे उसके बाद आप अपने ब्रेन को, हमारा जो ये मन है उसके अंदर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो चीजें होती है। तो अवचेतन मन जो है वो 96% मन का हिस्सा है, केवल 4% है जो चेतन मन है जिससे आप अभी काम करते हैं। लेकिन उससे पहले 96% जो अवचेतन मन है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ये अवचेतन मन है उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि सारे सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल आसान है और साथ में आप जो परीक्षा देंगे उस समय जब प्रश्न पत्र को देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है उनको आप सही प्रश्न का सही उत्तर सही समय पर याद आने के लिए अपने ब्रेन को क्या करेंगे, ट्यून करेंगे। जैसे आप FM को ट्यून करते हैं वैसे ही हम अपने माइंड को क्या करेंगे, ट्यून करेंगे। तैयार है सभी बच्चे, तैयार है? कितने बच्चों को 90% लाना है एग्जाम में? एग्जाम में 90% कितने बच्चों को लाना है, आपका टारगेट क्या है? ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं इसीलिए मुझे 90% लाना है, हाथ ऐसे खड़े नहीं करना। जो वास्तव के अंदर मन से आंतरिक इच्छा है कि मुझे 90% लाना है, हाथ नीचे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं और उनको फर्स्ट क्लास लाना है? बहुत ही अच्छा है, आपके स्कूल के अंदर तो सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, बुद्धिशाली हैं। तो आज हम छोटा सा प्रयोग करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सीधा बैठेंगे, आपस में बातें नहीं। ये सिर्फ 5 मिनट का, अभी 5-10 मिनट का सेशन है,
प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। और कितने तारीख को एग्जाम है? 15। कुछ बच्चों को 15 से है, कुछ बच्चों को 12वीं वालों को 8 से है। तो आज आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश करने के लिए आज आपको ये मौका मिल रहा है। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपने हाथों को हथेलियों को अपने घुटनों के पास रखेंगे, अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्र भाग को एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। टिप्स को टच करना है, ऐसे नहीं, सिर्फ टिप्स को टच करना है। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, अल्फा मुद्रा। ब्रेन के अल्फा वेव्स को, अल्फा लेवल को जागृत करने वाली यह मुद्रा, ज्ञान को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए यह मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारे ब्रेन के अंदर जो स्मरण शक्ति की कोशिकाएं होती है, मेमोरी सेल्स होती है, उनको जागृत करने के लिए यह मुद्रा बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो हम सब ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, अपनी हथेलियों को घुटनों के पास, घुटनों से बाहर नहीं, घुटनों के पास, और सीधा हथेली आकाश की तरफ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। 20 बार लंबी गहरी श्वास श्वास का अभ्यास। जब लंबी गहरी श्वास लेंगे, मन में 1 से 10 की गिनती करेंगे, और जब आप लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे, 10 से 1 की गिनती, पड़ोस में व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन में आपकी परीक्षा अच्छी हो, इसी लक्ष्य के साथ आप श्वास श्वास का अभ्यास कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर जा रही है और लंबी गहरी श्वास बाहर निकल रही है। जैसे जैसे श्वास श्वास का अभ्यास, मन एकदम शांत होता जा रहा है। आज आपको पॉजिटिव ऊर्जा दी जाएगी, आपकी परीक्षा अच्छी हो, अगले 2 मिनट के लिए श्वास श्वास का अभ्यास। बाहर जो आवाजें आ रही है, जो हो रहा है, होने दीजिए। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका पूरा ध्यान श्वास श्वास पर, महसूस कीजिए किस तरह से सांस अंदर जा रही है और किस तरह से सांस बाहर निकल रही है। जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, महसूस कीजिए कि आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, अनुभव कीजिए कि सारी चिंताएं, बाधाएं, अवरोध बाहर निकल रहे हैं। जाती हुई सांस के साथ सारे तनाव को दूर कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए महसूस कीजिए कि आपकी बुद्धि और ज्यादा निर्मल होती जा रही है। और जब आप लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे, महसूस कीजिए कि एग्जाम का सारा भय, तनाव शरीर से और मन से बाहर निकल रहा है, अनुभव कीजिए। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत हो चुका है। आप तो भीतर एकदम शांति हो रही है, मन बिल्कुल शांत हो चुका है।
आपकी कक्षा में जितने भी सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई करना आपके लिए आसान है। अपने आप से मन में कहिए, पढ़ाई करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, और जो पढ़ाई की है उसको याद रखना भी मेरे लिए आसान है। मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा, मैं जो कुछ भी अध्ययन करूंगी, वो एग्जाम के दिन मुझे अच्छे से याद रहेगा। परीक्षा में जो कुछ भी प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों का मुझे सही उत्तर सही समय पर याद आएगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। परीक्षा देना मेरे लिए आसान है। मन में इन सकारात्मक सुझावों को पुनः पुनः अपने मन को दोहराइए। विजुलाइज कीजिए, आप परीक्षा के हॉल में बैठे हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं। एकदम मन में प्रसन्नता और सौम्यता के साथ, एकदम टेंशन फ्री होकर के आप परीक्षा दे रहे हैं। महसूस कीजिए, अपने आप को परीक्षा हॉल में अनुभव कीजिए, और परीक्षा के जितने भी प्रश्न हैं उनको बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। मन की इस आवाज कल्पना शक्ति को वस्तु रूप प्रदान कीजिए। अपने मस्तिष्क को ट्यून कीजिए। आपकी बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति एकदम तेज होती जा रही है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, हर सब्जेक्ट आपके लिए आसान होता जा रहा है। अनुभव कीजिए, मन एकाग्र चित्त होकर के आप पढ़ाई के लिए लगाएंगे। अपने 2 मिनट के लिए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। पर आप बिल्कुल लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ अपने ध्यान को पूरा करेंगे, और संकल्पित होंगे कि प्रतिदिन आप ध्यान का अभ्यास करते हुए, श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हुए अपने मस्तिष्क को पढ़ाई की ओर ट्यून करेंगे। शरीर और मन दोनों एक दिशा में संतुलित हो रहे हैं। 2, महसूस कीजिए कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते जा रहे हैं। और 3, धीमे गति से अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रख दीजिए, और धीमे गति से अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा कीजिए। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, और फिर धीमी गति से आंखों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को देखिए, और उसके बाद हथेलियों को नीचे रखते हुए अपनी आंखों को प्रकाश की ओर, यस रिलैक्स।
आज आपके माइंड को बिल्कुल ट्यून कर दिया है, आपकी परीक्षा बिल्कुल आसान होगी, आपने जो पढ़ाई की है उसी में से प्रश्न आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा लिखिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आप बहुत ही अच्छे से परीक्षा देना और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ स्कूल का नाम भी रोशन करना, खुद का नाम, परिवार का नाम और स्कूल का नाम रोशन करने के लिए आप प्रयत्नशील रहना। और इसी के साथ आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 मिनट का समय है, अगर किसी को कुछ एक आध प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप सब बहुत बुद्धिशाली है इसीलिए आपके पास कोई प्रश्न है? दो सिचुएशन में प्रश्न नहीं होते हैं, या तो सब कुछ समझ में आता है तो प्रश्न नहीं होता, या कुछ भी पले नहीं पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्रश्न नहीं होता। कौन सी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सब समझ में आ गया तो आप सब अच्छे से परीक्षा देना और एक छोटे से प्रेयर के साथ अपने इस सत्र को समाप्त करेंगे। हम सब हाथ जोड़ेंगे, अपने आप को बंद करेंगे। आज अपने लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि महाराज साहब ने अपने विद्यालय के प्रांगण में पधारकर हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली प्रवचन दिए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से महाराज साहब का सरस्वत प्रणाम नमन, जय हिंद जय भारत। सभी विद्यार्थी अपने बहुत बड़े